ये स्ट्रॉबेरीज निकली हमारे गार्डन से, फ्रेश एकदम। हमारे घर के पास आया है एक आइसक्रीम ट्रक और कीचड़ में आज गए हैं इस समय आइसक्रीम लेने। सनस्क्रीन लगा जा रही है बच्चे को। इन द नर्सरी हु पुट्स द सनस्क्रीन ऑन योर हैंड्स? या इन द स्कूल हु पुट्स द सनस्क्रीन? क्लेब है। अभी बोल रहा था मिस केली पुट सनस्क्रीन ऑन माय हैंड्स ऑन द फेस। माय ऑन द फेस। यू वांट टू पुट ऑन फेस? नो। ओके वी विल पुट ऑन द हैंड। ओनली पुट हियर। यार इसके बाल कटवाने का मन नहीं हो रहा। अपॉइंटमेंट तो ले लिया तुमने, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो आंख में नहीं आ रहे। दो दिन बाद छूना मेरा छूना बच्चा प्याला बेबी प्यारा 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 कीचु बेबी अब जाएगा अब जाएगा वो नर्सरी सोना मेरा प्यारा मेरा कीचु बेबी। बहुत मस्ती खो रही है ना। कुछ ब्रश किया है पापा? पहले मैं पानी के साथ हाथ डाल रही थी, ये भी पानी के साथ हाथ डाल रहा था तो बहुत देर चलता रहा। मैंने देखा इसका ब्रश पड़े तो मैंने अपना ब्रश उठाया और मैंने इसका ब्रश वहां रख दिया तो इसने भी उठा लिया। फिर मैंने उसको पानी में डाला, इसने भी पानी डाला तो मैंने ब्रश किया तो इसने ब्रश। फिर मैंने उसको वही एक्टिविटी डाल दी, मैंने कहा कम ऑन नाउ पुट इट इन द वाटर। फिर उसने वाटर में डाला फिर से वापस ब्रश किया, वॉटर अगेन। तो उसको मजा आने लगा, एक्टिविटी बन गई। मैं बच्चों के साथ ये हर चीज ना फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखानी होती है, और मतलब एक स्ट्रगलिंग वो स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस ही होता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम भी मतलब यू नो हमारा तो पहला बेबी है और हमको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट हर चीज़ धीरे धीरे उसको सिखाई जा रही है और मतलब हमें भी समझ में आ रहा है कि कैसे सिखाना है। बाय बाय। यूके में बैठ के बॉम्बे याद दिला दिया लड़की ने, ऐसी चीज बनाई है। यो बेब, यो थैंक्स। तो बॉम्बे सैंडविच बनाया आज बेबा ने, आलू वालू डाल के, खीरा, बीट रूट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो रेसिपी होती है ना, मजा आ गया खा के। और ये है बॉम्बे सैंडविच, तो मेरे को ब्रेड का जो मोटा वाला हिस्सा है वो पसंद है तो मेरा सैंडविच उसमें बनाया गया। कमाल कर दिया दिव्या, जादू। तो धूप खाती है क्या? जादू धूप धूप, तभी तेरे से अच्छा बनेगा। जब तू धूप सेक रही होती ना तब तेरे से खाना अच्छा बनता है। Do you like cabbage? No, no. No, thank you, lady. No, thank you. There's mommy said. You're the best. You're the best. Oh, you're being such a good boy. You're very funny. आज कीचू ने बाल कटवाए शांति से, तो उसको हमने हेलीकॉप्टर लेके दिया रिमोट वाला। कीचू's new look revealed. Leave it. Look at the happiness. Whoa. It's your height too. It's at such a height. Give me the mud. यहाँ पे निकल रही हैं और छोटे-छोटे strawberries. तो guys मैं निकलने वाला हूँ इंडिया के लिए और दिव्या बना रही है कुछ टेस्टी टेस्टी से खाना मेरे लिए फिलहाल।
मतलब हम सबके लिए। कीचू को सुला दिया आज पापा ने कहानी सुना के, मेरे को ऐसे हक करके सुनाया, वो बड़ा मजा आया। बाय बाय, सी यू सून। किचू को भनक लग गई कि पापा कहीं तो जा रहे हैं, नाराज हो गया थोड़ा सा। हर बार ये जगह फैसिनेट करती है, मुझे पता नहीं कौन सी जगह है एग्जैक्टली, बट इतने सही सही पहाड़ है, पूरा पहाड़ी इलाका है। We're waiting for an SUV to come and pick up Mr. Harjai, Mr. Tiny Harjai. You want to go in SUV? Yeah. Oh. केसरिया तेरा, happy birthday papa, I love you papa, happy birthday dadu, happy birthday anna mamu, happy birthday anna mama, happy birthday anna nana ji. जीरे वाले चावल और भुना चिकन। किचू अगेन शिवा महादेवा। अभी शाम हो रही है और ये सारे फूल जो है ये बंद हो गए हैं, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी एग्जैक्टली कैसे लगते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी आप पड़ाव में जी रहे हैं, तो आज का दिन है जैसे। तो अभी मैंने अभी को छोड़ा है, सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता उसका बनाया, टिफ़िन पैक किया, अब उसको छोड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन का पहला पड़ाव ख़त्म हो चुका है। इट्स अ रिलीफ, उसको छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ पैदल वापस परेड तक, वहाँ से बस पकड़ूँगी और फिर शुरू होगा अगला पड़ाव। जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ बाय द वे, और इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो अगर लग जाती फिर तो पड़ाव ऐसे बदलेंगे, फिर एक्चुअल में रूटीन बनेगा कि सुबह उठना ही उठना है 6:30, 7 बजे और सब करना है। अभी थोड़ा वो नर्सरी जाता है तो हमें थोड़ा सा वो लिबर्टी है, तो हम थोड़ा लेट ही उठते हैं, अराउंड 8 बजे, 7:30, 8, डिपेंड करता है वो कब उठ रहा है, वो हमारा अलार्म क्लॉक है। सुबह सुबह हमने हर हर सुबह सुबह हमने हर हर शंभू पे लगा के भगवान जी को याद भी किया है,
चलिए चलते हैं। Good morning, everyone. We go in bus. You're going in the bus? No, we go in aeroplane. अच्छा, aeroplane में बोलोगे तो aeroplane में जाएंगे क्या? नर्सरी छोड़ना तुम्हें। सुनिए, आज है मेरा पेपर थ्योरी का ड्राइविंग टेस्ट। इसको छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी वहां पे। Let's see how it goes. बुआ ने मुझे एक बार कहा था कि जब भी इंटरव्यू या कोई पेपर देने जा रहे हो तो ब्लू या पिंक पहना करो। तब से बस दिमाग में बैठ ही गया है। ऐसा नहीं हर बार, बट आज मुझे दिख गया तो मैंने ब्लू पहन लिया। और सुबह सुबह एनर्जी अप करने के लिए हमने हर हर शंभु पे अच्छे से वो भी किया है, क्या बोलेंगे, किचू और मामा ने डांस भगवान जी को याद करते हुए, है ना। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। किचू को उठा लिया है और अब हम जाएंगे पार्क और वहां जाके Do you want to go to the new house or do you want to go somewhere else? Park. You want to go to the park? Yeah. Okay. Isko aeroplane mein nursery jana hai. You want to go in the nursery? You want to go to the nursery in an airplane? Yes. Uh-huh. अगली बस का वेट करते करते किचू महाराज सो गए हैं। यही बात है, बस यहाँ एक घंटे के बाद चलती है तो बस अब 10 मिनट में आने वाली है। इसको ऐसे ही लेके चढ़ना पड़ेगा ऊपर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं हूँ इस समय मुंबई में और काफ़ी दिनों से, मतलब लगता है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से व्लॉग नहीं आया, तो काफ़ी लोग कंसर्न भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया, सब ठीक तो सब ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि मैं फ़िलहाल अभी इंडिया में हूँ और मैं अभी एक ऐसे माइंड स्पेस में हूँ जहाँ पे यू नो मैं कुछ एक चीज़ परस्यू कर रहा हूँ जो आई एम नॉट राइट नाउ कम्फर्टेबल टू डिस्कस। तो थोड़ा मुझे अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताना ज़रूरी है इस चीज़ को, ताकि मैं अच्छे से डेडिकेशन के साथ कर सकूँ। और जो दूसरा रीज़न ये है कि हम जो व्लॉग्स वाला चैनल है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो मैंने आपके कमेंट में पिन कर दूंगा, साथ में इस आई बटन पे भी आ जाएगा और साथ के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक डाल दूंगा वो नए चैनल का। ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग शॉर्ट व्लॉग्स डालते थे बट अब मेन जो व्लॉग्स हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये जो अर्जुना हरजाई वाला मेन चैनल है इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ और है, और अब जब मेरे दिमाग में वो आ गया तो मैं उसके पीछे पड़ गया और मैं अपने एंड से पूरी 100% कोशिश करूँगा। सो आई एम एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस, क्योंकि इट्स इसमें बहुत सारा एनर्जी लगने वाली है, टाइम लगने वाला है और फाइनेंसेस लगने वाले हैं। तो आई होप आप सब मेरे को इसमें सपोर्ट करें। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। आई होप दैट जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सक्सेसफुली हो जाए और आप लोगों तक जल्दी वो न्यूज़ पहुँचे। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड।